नगर निगम क्षेत्र में नक्शे के अनुसार भवन निर्माण नहीं करने वाले भवन मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंगवाई क्षेत्र में 3 मंजिला भवन में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। भवन मालिक की ओर से खुद अतिक्रमण हटाने के आग्रह के बाद नगर निगम ने भवन मालिक को 2 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेट दिया है। भवन मालिक ने शनिवार को स्वयं 3 मंजिला भवन में अतिक्रमण हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। नगर निगम के कर्मचारी पुलिस व तहसीलदार के साथ मिलकर कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं। मंगवाई क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 2009 में भवन निर्माण के लिए नगर परिषद से नक्शा पास करवाया है, लेकिन भवन मालिक ने नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण कार्य नहीं किया है। 3 मंजिला भवन में लेंटर को पारित नक्शे से करीब 1 मीटर बाहर तक बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद नगर निगम को भवन से हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निगम ने कमेटी का गठन कर अतिक्रमण को हटाने के लिए कमेटी पुलिस व तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंच गई। भवन के नक्शे के अनुसार पैमाइश करने पर लेंटर का हिस्सा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। नगर निगम के कर्मचारियों की कार्यवाही शुरू करने से पहले भवन मालिक ने स्वयं अतिक्रमण को हटाने का कमेटी के सदस्यों से आग्रह किया है। शनिवार को दिन भर भवन मालिक के मजदूर अतिक्रमण को हटाने में जुटे रहे। इस दौरान कमेटी के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम के पास अतिक्रमण को लेकर अन्य लोगों की भी शिकायतें पहुंची हैं। ऐसे लोगों की नगर निगम कार्यालय में बकायदा सूची बनाई गई है। सूची में शामिल इन अन्य अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी जल्दी कार्यवाही शुरू की जाएगी। मंडी के मंगवाई क्षेत्र में एक 2009 के दौरान एक नक्शा पास हुआ था, जिसमें उस नक्शे के मुताबिक उस व्यक्ति ने मकान नहीं बनाया था और मौके पर 100% डेविएशन पाई गई थी। बाद में ये मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली एक डायरेक्शन पास की थी हमारे लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मंडी के लिए, कि जो भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन उसने करी हुई है बिना लॉ के अनुमति के, उसको तोड़ना है इमीडिएटली। हमें एक सप्ताह का टाइम मिला हुआ था। हमने 12 तारीख को, 12 मई यानी पिछले कल, हमने कमेटी बनाई। हमारे एडिशनल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी, मौके पे गई और तहसीलदार पुलिस साथ गई और दोबारा से फिर नापा गया उसको। पूरा मेजरमेंट किया गया कि कितना एरिया बाहर है और कितना एरिया नक्शे के अलावा उसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसको तोड़ने का हमने बातचीत की वहाँ, लेकिन वो स्वयं ही मान गए कि हम जितना एक्स्ट्रा बना हुआ है उसको स्वयं ही तोड़ देंगे। तो अभी जो है पिछले कल से तोड़ने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और आज शाम तक ये तोड़ने का प्रोसेस मैं समझता हूँ पूरा हो जाएगा। हमारी टीम लगातार उस प्रोसेस को वॉच कर रही है, मौके पे है और जब तक वो टूटता नहीं तब तक टीम जो है वहाँ फॉलोअप करेगी और उसको पूरा तोड़ने का प्रयास में है और तोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही नगर के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कंस्ट्रक्शन बायलॉज के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मैप अप्रूव नहीं करा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं इस मैसेज के माध्यम से कि वो अपना नक्शा पास करवाएं और जो जो बिल्डिंग के बायलॉज हैं उसको फॉलो करते हुए अपने भवनों का निर्माण करें, अन्यथा कभी ना कभी उनका भवन टूट जाएगा, तोड़ा जाएगा। जैसे आज हम ये प्रक्रिया अपनाई हुई तोड़ने की, ऐसा होगा, कभी ना कभी होगा। इसलिए अपना पैसा बर्बाद करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार करना बिना बायलॉज को फॉलो किए हुए, मैं समझता हूँ बहुत घातक होगा और ये अच्छी बात नहीं होगी। बहुत जल्दी हमारे पास जो लिस्ट बनी हुई है, जो जिन लोगों ने अवैध तरीके से भवन निर्माण किया हुआ है, कमिंग वीक में हम इन सभी के ऊपर जो है कार्रवाई करने वाले हैं और फिर बहुत सारा नुकसान होगा और बहुत दिक्कत रहती सभी तरफ को। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि ऐसा ना करें, लॉ को फॉलो करें। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।